ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये एक खास अमित जी, इज दैट द रीजन दैट यू आर लुकिंग हैंडसमली हैंडसम टुडे? कहा हो तुम? सही है, थैंक यू। विद योर नतमस्तक हूँ आपके सामने, बड़ी कृपा है आपकी। विद योर स्पेसिफिक फैशन स्टाइलिंग दैट चुन्नी मेक्स यू लुक सो हैंडसम एंड यू गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू द यूथ सिटिंग बिसाइड यू। सर एक और टेल मी हु हैज एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए। आपको किसने ये स्टाइलिंग करवाई सर? एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा। मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये एक खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है, और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था। मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके आप पूछेंगी तो मामला बहुत हल्का हो सकता है। घड़ी तक ही बात रहने दीजिए आप प्लीज। हेलो फरहान, टू योर लेफ्ट। कहा कि बच्चन साहब एक रीज़न है आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर हम बात करें कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे, तो किस तरह का प्रिपरेशन आपने खुद से की? हमने काफ़ी रीडिंग्स किए एक साथ, और उसके अलावा जो होना है वो इवेंचुअली सेट पे ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं आपको बताऊँ कि पहली बार जब हम शूट कर रहे थे तो एक सीन था, ये इनके घर में जो फिल्म में उनका घर है उसमें हम एक सीन कर रहे थे, चेस बोर्ड बीच में है, एंड इट टुक मी अ गुड आई वुड से ऑलमोस्ट एक घंटा या डेढ़ घंटा फॉर इट टू सिंक इन प्रॉपरली के मतलब ये शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अमित अंकल उस तरफ बैठे हैं, और हम लोग कुछ रीडिंग्स और रिहर्सल्स कर रहे। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू दैट। फॉर्चुनेटली उस सीन में ज़्यादा जो टॉकी पोर्शन है वो उन्हीं का है, तो आई हैव टू जस्ट लुक वेरी ऑस्ट्रक एंड क्वाइट, so that came very naturally to me in that scene. I think it's one of the most finely performed scenes, by the way. It's completely naturally looking awestruck with this man who's giving me some very very important information. Amit sir, left mein aapke. नहीं, हमारा पहले वर्किंग टाइटल था दो। जब हम शुरू करते हैं कोई भी कहानी सालों साल लिखी जाती तो हम ऐसे एक दो तीन कुछ भी उसका टाइटल रख देते हैं, फिर वो जैसे जैसे कहानी बनती है फिर वो हमको टाइटल समझ में आता है कि इसका ये टाइटल होना चाहिए। हमारी असल में आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी कितने अलग अलग टाइटल थे। जैसे जैसे कहानी बनती है और कलाकार जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं और हम एडिटिंग में देखते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए हम वक्त लगाते हैं, धीमे से सहज पके सो मीठा होए वाली बात है। तो वो जब फिल्म को हमको लगता है कि अप्रोप्रिएट ये टाइटल है तो हम फिर उसको फाइनल करते हैं। अमित सर आपके लिए पहले वर्किंग टाइटल था व्हाट अ स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद W को सुपरस्टिशन रख के हमने वजीर। अमित सर लेफ्ट साइड में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, यहाँ लेफ्ट साइड में सर, आपके लेफ्ट साइड में सर, यहाँ सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, 42वीं शादी की सालगिरह है, और आपसे सवाल करूँगा सर क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं, तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर। कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे भाई। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, 42 साल नहीं हुए शादी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है। सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं नहीं बोल दीजिए? जी सर बिल्कुल, मेरे भी बहुत मीठे हैं। सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव, इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। थैंक यू सर। माय क्वेश्चन इज टू बिजॉय, हियर हाय हाय। इट्स बीन रिपोर्टेड दैट जॉन एंड नील नितिन प्ले कैमियोज इन द मूवी, एंड इज दैट ट्रू? Well, you just saw them exactly, and yeah. I was quite surprised that you have, you know, kind of shown them
Well, they both play kind of pivotal roles in the film. I wouldn't want to discuss much about that because the film is, going to be releasing much later. So I would kind of wait to kind of watch out. But they both definitely have a, it's a special appearance, but still they both have a quite a pivotal role in the film.